चास नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन 5 सालों में नगर निगम के वासियों को क्या कुछ सुविधाएं मिली है, इससे लेकर हम लोग लगातार आपको नगर निगम से जुड़ी हुई समाचारों को दिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों से मिलाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम इस समय चास नगर निगम के वार्ड संख्या 9 में उपस्थित हुए हैं, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं इस क्षेत्र के युवा समाज सेवी जाफर इकबाल जी। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इन 5 सालों में वार्ड संख्या 9 को क्या कुछ सुविधाएं मिली है और इन सुविधाओं से जाफर इकबाल जी कितने संतुष्ट हैं। ये ऐसे युवा समाज सेवी होने के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता भी हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं युवा नेता और युवा समाज सेवी जाफर इकबाल से। सबसे पहले तो इकबाल जी आपका स्वागत है। 5 साल हो गया चास नगर निगम के कार्यकाल का, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, वार्ड संख्या 9 में आप लगातार लोगों को मदद करते हुए भी देखे जाते हैं। 5 साल के आपके क्षेत्र के पार्षद के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? 5 साल के कार्यकाल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी तक 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई भी योजना जो धरातल पर नहीं उतरा है और जो धरातल पर उतरा है उसमें करप्शन की अधिक मात्रा पाई गई है, जो इसे जैसे नाली, रोड, पानी की व्यवस्था, कचरा उठाव की व्यवस्था, ये सब समस्या तो सार्वजनिक है और हर आदमी को इस समस्या से जूझना पड़ता है। और ये आप भी देख सकते हैं, जाकर के सर्वे करके देख सकते हैं कि ये व्यवस्था नहीं हुई है, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है और सब इसमें लूट खसोट की अधिक समस्या है। तो आप जैसे इस क्षेत्र में लगातार देखता हूँ कि आप अक्सर नालियों की सफाई करते हुए देखे जाते हैं, लोगों को दूसरी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, तो क्या यहाँ नालियों की सफाई भी नहीं होगी है समय पर? ना ना, समय पर भी नाली का सफाई नहीं हो पाता है। नगर निगम से वार्ड कमिश्नर रहते हुए भी यहाँ का मतलब उठाने की कार्य की समस्या को भी वो दुरुस्त रूप से सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। और यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से न कचरा उठाव की कोई टोली भेजता है और न देख रेख भेजता है, सिर्फ वार्ड कमिश्नर बन जाने से होता नहीं है। वार्ड कमिश्नर बनना समाज के लिए जिम्मेदारी का काम होता है और वो दायित्व है उसका, वो समाज का गार्जियन है, वार्ड का गार्जियन है, उसको देखना है, उसको हर आदमी वोट दे करके उसे वार्ड में लाया है कि हर समस्या हर योजना का समाधान करने के लिए लाया है, ना कि अपना घर और ना अपना रिश्तेदारों को और ना अपना पॉकेट भरने के लिए लाया है। तो आप लोग क्या निगम को इन सभी समस्याओं की जानकारी नहीं देते हैं? आप लोग युवा समाज सेवी भी है, आपकी अभी सरकार भी वर्तमान में है प्रदेश में, तो आप लोग क्या नगर निगम कार्यालय को इन समस्याओं की जानकारी नहीं देते हैं? निगम को हमारे हर योजना की जानकारी है, लिखित रूप से दिया गया है, हर आदमी को निगम का हर पदाधिकारी को हम लोग लेटर सुचारू रूप से दिए और फोन करके व्यक्तिगत रूप जा करके इस समस्या से अवगत कराए हैं, लेकिन काम नहीं होता। लेकिन काम धरातल पर नहीं था और ना होता है, सिर्फ है कमीशन लूटखोरी और खाना पूर्ति की यही समस्या चल रही है। अच्छा। समझिए, योजना का कोई भी डायग्राम नहीं बना है, रोड बन रहा है तो रोड बनने के बाद नाली बन रहा है, फिर रोड टूट रहा है, पानी की व्यवस्था कर रहा है तो रोड बन गया, फिर उसके बाद पाइपलाइन की कनेक्शन का व्यवस्था कर रहा, फिर रोड टूट रहा है, तो यह सब सरकार का पैसा का दुरुपयोग कर रहा है। सरकार का पैसा आम आदमी का पैसा है, आम आदमी का पैसा का सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। ये सब जो वार्ड में बन करके आ रहे हैं, इन लोग सिर्फ अपना चेहरा चमकाते हैं, ना कि समाज का काम करते हैं, ना डायग्राम है, ना मनीपोली है काम करने का, ना तरीका है। ये सब तरीका होना अगर सुचारू रूप से चलेगा तो वार्ड या पूरा 34 से 35 वार्ड हमारे चार क्षेत्र में है, सब स्वर्ग जैसा नजर आएगी। ये जो आपका वार्ड संख्या 9 है, यहाँ की जो अभी निवर्तमान पार्षद है आबिदा खातून जी है, क्या उनसे आप लोग नहीं मिलते कि मैडम हमारे क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, हम लोगों ने आपको चुन के भेजा है तो कम से कम हमारी समस्या को दूर करने के प्रयास करें?
अभिनेता खातून हमारा क्षेत्र का नव निर्वाचित वार्ड पार्षद है, वो अपना घर से बाहर निकलेंगे तो घर का बाहर का नाली का आप सार्वजनिक लेकर के फोटो लेकर के इंटरव्यू उसका वहीं पर कर दीजिए कि वो नाली का दशा देख करके आप उससे सवाल करें कि जब मैडम आपका घर का नाली सही तरह से नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, टूटा फूटा है, जब वो नहीं बन पा रहा है तो नौ नंबर वार्ड में 10 गली है, 10 गली का नाली क्या होगा, रोड क्या होगा, बिजली की व्यवस्था क्या होगा, पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है आपके वार्ड में, पानी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था कुछ हो पाई है अभी तक? पानी की व्यवस्था तो सिर्फ 9 नंबर वार्ड में ही नहीं है, हर वार्ड में ही समस्या है। पानी का टैंकी का व्यवस्था किया गया, निर्माण हो रहा है तो वो अभी तक नहीं हो पाया है, आज 4 साल हो गया है, काम इतना स्लो ढंग से हो रहा है कि उसमें निगम का कोई भी पदाधिकारी आ कर करके उसका सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर चाहे तो समस्या क्या, समस्या तो चंद मिनटों का है, उसको दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या को अगर कोई भी निगम का या वार्ड का पदाधिकारी सोच ले कि हमारा क्षेत्र में पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, नाली का व्यवस्था तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाते हैं। ना ना बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, ये इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं यही कि हम इसका उद्घाटन किए, तो उद्घाटन किए तो भाई काम धरातल पर लाइए तब ना पता चले कि आपका मोहल्ला अपना वार्ड में ये समस्या का समाधान हो रहा है। जिस वक्त नगर निगम पानी का कनेक्शन चालू किया उस समय बहुत बढ़िया से सुचारू रूप से पानी हर वार्ड को मिल रहा था, है ना, अभी वो व्यवस्था एकदम चौपट हो गया है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं फॉल्ट निगम का ही है कि आप उस पर कनेक्शन ले नहीं रहे हैं तो काम कैसे होगा। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि जब भी हम लोग इस तरह की जांच नगर निगम या पूरे जिला की या बोकारो विधानसभा के समस्याओं की बात करते हैं, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से बात करते हैं तो उनका साफ कहना होता है कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और हमारी पार्टी सरकार में है तो हम लोग सीधे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से करेंगे। क्या सिर्फ आप लोग मुख्यमंत्री जी से शिकायत ही करते हैं, उनसे नहीं करते कि काम को देखा जाए, वे भी कभी मॉनिटरिंग करके देखे? ये समस्या का समाधान हमारे जीवन पार्टी के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से लिखित तौर पर शिकायत किया है जी। और एवं भैया हमारे मुख्यमंत्री जो है यहाँ बोकारो क्षेत्र में आकर इस समस्या से सुचारू रखते हैं और एक कड़ा रिएक्शन लेकर के हमारे निगम के बड़े पदाधिकारियों को चेतावनी दे चुकी है, अगर समाधान नहीं होगा तो एक्शन तो होगा ही, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि आप ये जो वार्ड संख्या 9 है, आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? लोग ये बार बार मुझसे कहते हैं कि ये जो लोगों की सेवा करते हैं, आपके अब्बा भी हमेशा लोगों की सेवा किया करते थे और मैंने इसको बहुत करीब से देखा, आप उनके पीछे खड़े होके सेवा करते हुए नजर आते थे, तो ये जो लोग लगातार कह रहे हैं कि आप वार्ड संख्या 9 से चुनाव लड़ेंगे पार्षद का, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें 101% सच्चाई है, मैं समाज के 9 नंबर वार्ड के लिए चुनाव लड़ूंगा। तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि आप 100% चुनाव लड़ेंगे पार्षद का वार्ड संख्या 9 से, क्या सिर्फ इसलिए कहीं आप आरोप तो नहीं लगा रहे हैं पार्षद पर? नहीं नहीं कोई आरोप नहीं है, ये देखने का चीज है, कोई छुपाने का चीज नहीं है, नाली ना छुपने का चीज है कि किसी चीज से चादर से मैं ढक दूंगा कि नाली का जो भी साफ सफाई है वो नजर नहीं आए, ये तो देखने का चीज है। आप सर्वे करें, जिस तरह आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप एक बार वार्ड में जाएं और नहीं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा,
आप देखिए वो नाली का व्यवस्था क्या है, नाली टूटा फूटा हुआ है, रोड का व्यवस्था क्या है, पानी का व्यवस्था क्या है, साफ सफाई का व्यवस्था क्या है, बिजली का पोल का व्यवस्था क्या है, जो अभी पोल अभी नया नया वर्तमान तौर पर खड़ा हुआ है, सब पोल झुका हुआ है, वो टेढ़ा लगा हुआ है, सिर्फ चोरी हुआ है, कमीशन खोरी हुआ है, ये देखने का चीज है। मैं चुनाव लड़ूंगा इस तौर पर नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उस पर दोहमत लगा रहा हूँ या किसी चीज का मैं आरोप लगा रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा अपना सिद्धांत पर, मैं अपना चुनाव लड़ूंगा अपना काबिलियत पर, मैं चुनाव लड़ूंगा ना कमाने के लिए मैं वार्ड में नहीं आ रहा हूँ या चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं ऐसे भी जब से मैं होश संभाला हूँ तब से छोटा मोटा समाज का सेवा करते आ रहे हैं, ये आप लोग का बीच में है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि हम ना कोई मीडिया के चैनल में आते हैं, ना फोटो खिंचाने का कोई मेरा शौक है कि मैं फेसबुक में डाल दिया फोटो खिंचा के मैं इस समाज का काम कर रहा हूँ। तो ये है जाफर इकबाल जी जो बता रहे हैं कि चास नगर निगम के चाहे किसी भी वार्ड में जाइए, सिर्फ वार्ड संख्या 9 नहीं, किसी भी वार्ड में आप जाइए वहां आपको समस्याएं मिल ही जाएंगी, चाहे साफ सफाई की बात कीजिए, चाहे नाली निर्माण की बात कीजिए, चाहे बिजली पानी की बात कीजिए, या दूसरी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होती है या दूसरी योजनाएं हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन सभी चीजों को लेकर चास नगर निगम चाहे कितना ही दावा क्यों न करे लेकिन चास नगर निगम के जो वासी हैं वे निगम के दावों से खुश नहीं है। और ये बात आप ये जो युवा समाज से भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं जाफर इकबाल जी, इन्होंने भी इसमें मुहर लगाई है